पैदल पैदल आ जा, मैं जा रहा हूँ। गाइस हम चलते हैं अब। गुड मॉर्निंग गाइस, सो हम बना रहे हैं ब्लैक कॉफ़ी। बाहर मौसम हो रहा है बहुत ऑसम। एक कप अदरक कॉफी, तो गाइस आज का वेदर कुछ ऐसा हो रहा है, ये देखो। तो कल मैं छत में सोने वाला था इधर, बट ठीक हुआ कि नहीं सोया, बारिश हो जाती तो मैं भीग जाता रात को। अच्छा डिसीजन था। रोड देखो गीली हो रखी है, मेरे को पता भी नहीं लगा कि बारिश हुई। और कितना सुंदर लग रहा है यार। देखो कैसा है, मैं बैग लेके जाऊंगा, कैसा आएगा मेरे पीछे। क्या है इस बैग में देखना से। ले कितनी जल्दी फुर्ती दिखाता हो, जा जा। हम लेटे हैं बोरी में पानी डालने के बाद। ले रुस्तम, ले लेडिया लेडिया लेडिया, आप जाके लेटा। उसी के लिए बिसाया था ताकि गिल्ला रहे, गर्मी हो रही है ना, छत बहुत गर्म रहती है इसलिए। गाइस अब हम वर्कआउट करेंगे, बिकॉज पूरे दिन भर तो मैं व्लॉग बना नहीं पाया, थोड़ा सा सैड सैड सा लगा था। अब मैं थोड़ा वर्कआउट करूँगा और बहन के साथ मैं व्लॉग नहीं बनाने वाला हूँ, बिकॉज मेरी हो गई बहन से भयंकर वाली लड़ाई, और अब मैं और मेरी बहन बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए एक्सरसाइज तो मैं अकेले करने वाला हूँ। मौसम मस्त हो रहा है, रुस्तम की वीडियो देखिए आपने कितना अच्छा लग रहा था ना, ऐसे ही करता है रुस्तम हमेशा। ये पेड़ ज़्यादा ही जरूरत से लंबे हो रहे हैं, इनकी हाइट पापा को अच्छी नहीं लगती। क्या हो गया, ये देखो काट दिया पापा ने। उसे बीच से मत काटो, उनको दे देगा। अरे काट दिया पापा ने, अरे बस ज़्यादा मत काटो, देना भी है किसी को। अब इसको भी काट दो नीचे से, इसी कलम लगा देना गुलाब के पूरे। ये वाला भी काट दो, इसकी और फूल आ जाएंगे इसमें। ये भी काटोगे पापा हैं? समझ नहीं रहा तो बोलियो। इसमें बहुत चमेली का पेड़ है, बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं, देखो चेक करके आ रहे पापा उसमें। ज़्यादा मत काटो, आपने पूरा काट दिया उसे, वो देख मैं पापा ने पूरा ही काट दिया। वो वाला बैंड दिख रहा है गाइस आपको, वहाँ पे लगातार दो दिन एक्सीडेंट हुए और उससे पहले तीन एक्सीडेंट हुए। स्पीड ब्रेकर नहीं, नई रोड बनी ना, जिस वजह से वहाँ पे एक्सीडेंट हुए, तो ऑन स्पॉट मतलब एम्बुलेंस आई और लेके गई। पापा ये वाला भी काट दो, पहले इसको काटो, ये लो इसको, इसको नहीं काटना। क्यों ना? इसकी कलम नहीं लगती, पापा तो मना कर रहे। और देखो गाइज मेरी बहन आ रही है, इससे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फालतू लोगों से बात नहीं करता हूँ मैं। मेरे आम आए थे 2 किलो, इसने पूरे चपट कर दिए। और ये हमारे मर्च की डाली है, ये हमारे तुलसी का पेड़ है, मैं बोल के थक गया कि इस कंठ से हटा के गमले के पेड़ में लगाओ इस तुलसी को, पर मेरे पापा मान ही नहीं रहे। तुलसी माता की पूजा करते हैं लोग, ठीक है ना, और तुमने ऐसे कंठ पर लगा के बेइज्जती करेगी तुलसी माता की हैं? अरे कौन सी मर्ची, मर्ची तो है सारी पूरा तोड़ दिया मम्मी ने। और गाइस हम फालतू लोगों से बात नहीं करते, हम अपना पेड़ दिखाएंगे आपको, फालतू लोगों से बात नहीं करते। और गाइस ये यहाँ पे देख सकते हो गाइस आप कि यहाँ पे हमने लाल फूल लगा रखे हैं गाइस, और फालतू लोगों से हम बात नहीं करते। पापा का हॉटस्पॉट ही हम बंद करेंगे, बिल्कुल नेट खत्म हो रहा है, हम फालतू लोगों से बात नहीं करते। बोल फालतू लोगों से बात नहीं करते मैम, फालतू लोगों से बात नहीं करते। बोल मैं बोल फालतू लोगों से बात नहीं करते, फालतू लोगों से बात नहीं करते, मैं बोल फालतू लोगों से बात नहीं करते। फाइनली रनिंग कंप्लीट कर दी, मैं इधर रोड पे आ रखा हूँ, अधर रनिंग कंप्लीट हो गई मेरी। अब घर चलेंगे और बाइक लेके चलेंगे घूमने। चलो
तो गाइस फाइनली हम जा रहे हैं एक्सरसाइज करने के बाद ऐसे कैपरी में घूमने जाऊँ मस्त। मेरी दो लड़कियाँ भी जा रही हैं, तो गाइस फालतू लोगों को हम लेके जा रहे हैं घुमाने। और ये देखो गाइस हमारी गाड़ी की लाइट कितनी अच्छी है, और हम आएंगे अब गाड़ी। बहुत दिनों से यार ऐसे नाइट राइड ही कर रही थी, अब मज़ा आ रहा है ऐसे चला के। दिल गार्डन गार्डन हो गया। हाँ हाँ कितनी ठंडी हवा लग रही है यार। और ये हमारे पड़ोसी दो लड़कियाँ हैं जिनको हम ओवरटेक करेंगे फॉरन मार के, ये हमने कर दिया। ये हमारे गली के कुत्ते। और गाइस रोड पूरी खाली है, मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है गाइस। मैं पहले जूते में आ रहा था, लोअर में आ रहा था, फिर मैंने बोला कैपरी में चलता हूँ, हालांकि मैंने ऊपर का चेंज नहीं किया बिकॉज ठंड लग जाएगी। और मज़ा आ रहा है यार काफ़ी, कसम से ऐसा मन कर रहा है कि रोज़ आना चाहिए, ठंडा लग रहा बहुत एकदम। अरे हाय पसीना है ना गाइस, तो ठंडी ठंडी हवा लग रही है। रात को बाइक चलाने का गर्मियों में अलग ही मज़ा, अगर नदी किनारे चलाओगे ना तब तो फिर चार चार लग जाएंगे आपकी राइड पे। और बहुत से बॉयज एग्री करेंगे जो ऐसे घूमते होंगे रात रात को, हालांकि मैं तो अपनी बहन को लेके जा रहा हूँ। और हम स्टेशन तक जाएंगे, फिर वहाँ से नीचे जाएंगे और ऐसे ही घूमते रहेंगे। और अरे बछड़े ने डरा दिया। और ये फालतू लोग हमारे यूँ टांगते यूँ कर रहे हैं जैसे मैं तेज़ भगा रहा हूँ। रात को घूमने का अलग ही मज़ा आएगा, यही तो ज़िंदगी है, पता नहीं कब कहाँ मौत आ जाए। इसलिए घूमो फिरो मस्ती करो एंजॉय करो। तो गाइस फालतू लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, जिसके पेट में दर्द हो रहा है वो पैदल आ सकता है यहाँ से। तो यहाँ पे नहीं करेंगे, टैंक नीचे करेंगे। फालतू लोग हमें गिराने की साजिश में। हमारे यहाँ का हनुमान मंदिर है, जय हनुमान ने, हनुमान से बोल रहा था, हनुमान ने निकल गया। ये हमारे यहाँ का आर्मी कैंट का रास्ता, और हमारे यहाँ का फाटक। और है गाइस हेलमेट पहन के दर्द हो रहा है, काश हेलमेट नहीं होता तब ज़्यादा मज़ा आता, बट कैमरा किस में हटाएंगे अटकाएंगे। फालतू लोग हमें बोल रहे हैं कैसे चला रहा है, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, हम बहुत सालों से गाड़ी चला रहे हैं, आई एम वेरी एक्सपर्ट। उसको देख के मेरे को अपनी स्कूटी की याद आ रही है, वो हमारी स्कूटी अच्छी लग रही है। तो देखो गाइस कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे कुत्ते हैं। ठंडी ठंडी पवन चले फिर मन में आग लगे, हेलमेट हमको दर्द कर रहा है, क्या करे भाई जरा कोई बता दे। गाइस फालतू लोग बोल रहे हैं कि हमारा फोन, मुझे अकेले आना चाहिए था गाइस। आई होप गाइस जब मैं फील कर पा रहा हूँ आप भी फील कर पा रहे होंगे ठंडी ठंडी हवा, मुझे नहीं पता पूरा आगे प्रॉपरली दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये मेरी टी शर्ट यूँ पकड़ रही है, पिक्चर रही हूँ खींच रही है। अबे यार गाइस मोटो ब्लॉगिंग का ये अलग ही मज़ा है यार, मैं तो सोच रहा हूँ मोटो ब्लॉगिंग कर दूँ लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग छोड़ के, बट व्यूज़ तो किसी में भी नहीं आते ना मोटो ब्लॉग में ना लाइफ स्टाइल ब्लॉग में, तो करके तो चलो जो मन करे वो करो लाइफ में, एंजॉय करो, फ़र्क नहीं पड़ता कोई देखे ना देखे, अपनी यादें रहनी चाहिए ताकि कल मैं जब बूढ़ा हो जाऊँ तो देखूँ अपनी वीडियो और फिर जवानी आ जाए मेरे अंदर दोबारा। अब हम गाइस नीचे ले आएंगे। गाइस फालतू लोग बोल रहे हैं मेरे को बाथरूम आ रही है, मैं छोड़ूंगा नहीं गाइस। गाइस यहीं पे एक्सीडेंट होते हैं, दो तीन होते हैं मोड़ पे जो मैं अभी वीडियो में बता रहा थोड़ी देर पहले। अब फालतू लोग डर रहे हैं मेरे साथ गाड़ी में चलने में, गाइस फालतू लोग डर रहे हैं गाइस गाइस गाइस।
सुनकर नहीं बैठेगी गाइस मेरे साथ। आई होप मैं आप लोगों को इनका इसका चेहरा दिखा पाता, तो मेरे पे कोई पीछे कैमरा नहीं है। ओ भाई क्या गया ही आगे से। अभी मैं यहीं गया था रनिंग करने के लिए जब मैंने ये वीडियो देखी थी आपने थोड़ी देर पहले। गाइस अब मैं नीचे जाके हेलमेट उतारूंगा और इसको दे दूंगा मैं हेलमेट, बिकॉज मैं बिना हेलमेट के चलाऊंगा, थोड़ी देर ठंडी हवा लगनी चाहिए। हाँ कितनी ठंडी हवा लग रही है यार, कसम से यार जन्नत है। मैं तो मन कर रहा था उधर नदी किनारे जाता बट वहाँ सेफ नहीं है, वहाँ भूत प्रेत घूमते रहते हैं और तेंदुआ वेंदुआ भी घूमते हैं और मेरे को भूत प्रेत से बहुत ज़्यादा डर लगता है गाइस, पानी से भी लगता है बिकॉज मेरे को स्विमिंग करनी नहीं आती। और ये अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है रोड पर चलते हुए, और ये गाइस ये लोग चिल कर रहे हैं लाठी लेके, ये देखो बॉयज एंड गर्ल्स आर घूमिंग घूमिंग इंजॉय करिंग। अभी यहाँ से पैदल आ सकती है अगर मेरे साथ इसे डर लग रहा है तो, उतर के इधर उधर जाइए मैं गाड़ी मोड़ रहा हूँ। पैदल पैदल आ जा मैं जा रहा हूँ गाइस, हम चलते हैं अब। गाइस फालतू लोगों के साथ मजाक हो रहा है तो अच्छे से मजाक हुआ नहीं, अब हेलमेट उतारता हूँ। तो फाइनली गाइस मैं घर आ चुका हूँ, फालतू लोगों को छोड़ दिया मैंने और नाइट राइड करके बहुत मज़ा आया। एंड ये हमारी पल्सर है 180। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब के लिए तो बोलूँगा नहीं, लाइक के लिए भी बोलूँगा नहीं। सो बाय गाइस, गुड नाइट, नींबू पानी पीते हैं और अब इन्जॉय करते हैं। बाय।